हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एनालाइजिंग स्टॉक मार्केट। तो आज हम बात करने वाले हैं बजाज ऑटो के बारे में और उसका स्टॉक एनालिसिस करने वाले हैं 23rd February 2024 के लिए। तो चलिए जाते हैं सीधा हमारे चार्ट पे। तो यहाँ पे ये चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। ये चार्ट मैंने अपने जीरोधा के अकाउंट से ओपन किया है। अगर आपके पास अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं है तो नीचे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में जीरोधा की और अपस्टॉक्स की दे दी है। अगर आप चाहें तो हमारे लिंक के थ्रू जो है अपस्टॉक्स में अपना डीमैट अकाउंट जो है वो बिल्कुल ही फ्री में ओपन कर पाओगे और वहाँ से जो अपनी ट्रेडिंग जर्नी जो स्टार्ट कर पाओगे। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले बजाज ऑटो में यहाँ पे आज के दिन यानी कि फ्राइडे के दिन क्या हुआ। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे 5.33% का पॉजिटिव मूव, 7597.50 पे हमें क्लोजिंग देखने मिली है January 25th को। तो क्या आने वाले दिनों में ऐसा ही यहाँ पे जो है पॉजिटिव मूवमेंट रहने वाला है या फिर कोई नेगेटिव मूवमेंट आने वाले उसी बारे में हम बात करने वाले हैं, क्योंकि हम जो है फिलहाल मंथली का एनालाइज कर रहे। तो इस मंथ में यानी कि फरवरी के मंथ में जो है लास्ट फ्राइडे तक किस रेंज में हमें स्टॉक जो क्लोज होते हैं देखने मिला उस बारे में आपको बताएंगे और उसके लिए रेंज के लिए जो आपको इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस भी जरूर आपको मार्क करके देंगे जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं फरवरी मंथ के लिए। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं लास्ट मंथ का इसका स्टॉक का परफॉर्मेंस कैसा रहा है। तो परफॉर्मेंस में अगर हम देखें तो लास्ट मंथ का 19.09% का पॉजिटिव परफॉर्मेंस हमें देखने मिला है। टेक्निकल जरूर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाय का भी इंडिकेशन देते हैं लेकिन कई और सारे फैक्टर्स होते हैं उसे भी कंसिडर करना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ RSI इंडिकेटर्स पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। तो चलिए बिना समय का यहाँ पे हम जाते हैं हमारे सबसे पहले तो वीकली के चार्ट पे, यहाँ पे मंथली के चार्ट पर देखते हैं किस तरह का यहाँ पे हमें कैंडल और किस तरह का यहाँ पे हमें जो वॉल्यूम देखने मिला है। तो ये रहा हमारा मंथली का चार्ट। मंथली के चार्ट पे अगर मैं बात करूँ वॉल्यूम की तो आप यहाँ पे आप देख सकते हैं एवरेज से थोड़ा ज़्यादा हमें वॉल्यूम देखने मिल रहा है। कैंडल यहाँ पे आप अगर देखें तो यहाँ पे ज़रूर एक स्मॉल टू यहाँ पे जो है मीडियम टू लार्ज साइज की बॉडी बनी है, नीचे के साइड में छोटी सी ऊपर के साइड में बारीक सी विक हमें देखने मिल रही है। बात अगर मैं करूँ RSI की 83-84 के आसपास हमारा RSI आ चुका है जो हमें यहाँ पे ज़रूर एक नेगेटिव मोमेंट का इशारा देता है लेकिन जैसे कि मैंने कहा कहीं और सारे फैक्टर्स होते हैं उसे भी कंसिडर करना चाहिए, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इंडिकेटर्स पर भरोसा नहीं कर सकते। चलिए यहाँ पे मेरा ओपिनियन यहाँ पे कहने से पहले मैं सीधा वीकली के चार्ट पे जो है यहाँ पे आपको सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस मार्क करके देता हूँ, वहाँ पे किस रेंज में क्लोज होते जो देखने मिलने वाला वो ही यहाँ पे जो आपको बताऊंगा। तो चलिए फिलहाल यहाँ पे ये हमारा वीकली का चार्ट रहा। यहाँ पे जो भी मैं सपोर्ट जोन रेजिस्टेंस मार्क कर रहा हूँ मैं चाहूँगा आप भी सेम टू सेम अपने चार्ट पे मार्किंग्स जो है वो कर लें। बाकी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड यहाँ पे कोई हेल्प चाहिए तो नीचे हमने हमारा व्हाट्सएप नंबर दे दिया, आप ज़रूर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी मैं यहाँ पे जो है अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो अभी के अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ जो बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन जो ऑन कर लें क्योंकि हम जो है आप सभी के लिए एवरी डे 4 स्टॉक्स एनालाइज करके लाते हैं और यहाँ पे नेक्स्ट डे और आने वाले दिनों में जो स्टॉक में क्या देखने मिलने वाला है पूरा का पूरा यहाँ पे आपको जो है चार्ट के बेसिस पे समझाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे ऊपर के साइड में हमारे पास कोई ज़्यादा डेटा नहीं है इसलिए यहाँ पे मैं जो है 200 पॉइंट के बेसिस पे जो है अपना यहाँ पे एक साइकोलॉजिकल नंबर जो है मैं मार्क कर रहा हूँ उसको आप भी अपने चार्ट पे कर ले। यहाँ पे अब हमारी मार्किंग जो कंप्लीट हो चुकी है जो इंपॉर्टेंट रहने वाली है इस मंथ के ट्रेड के लिए। तो यहाँ पे अब मैं बात करूँ क्लोजिंग की तो 7597 पे क्लोजिंग हुई है। डायरेक्ट सपोर्ट आता 7353 का, डायरेक्ट रेजिस्टेंस आता 7622 का। तो याद रखना डायरेक्ट सपोर्ट से डायरेक्ट रेजिस्टेंस का जो एरिया होता है उसे हम कहते हैं नो ट्रेडिंग एरिया। इसका मतलब है इस रेंज में अगर आपको स्टॉक घूमते हुए देखने मिले तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है, आपको वेट करना है दोनों में से किसी भी एक साइड में स्टॉक हमारा क्रॉस हो और फिर कंफर्मेशन कैंडल को देखते हुए अपना ट्रेड लेना है। अगर आपको नहीं पता है कंफर्मेशन कैंडल क्या होती है तो आई बटन में मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट एंड टारगेटिंग स्ट्रेटेजी का जो वीडियो ऐड किया है उसको आप जरूर देख लें, वहाँ पे हमने आपको हर एक चीज़ समझाई है। अब रही बात मेरे ओपिनियन की तो मेरा ओपिनियन कहने से पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट दो सपोर्ट जोन और दो रेजिस्टेंस क्या बनता है आफ्टर डायरेक्ट सपोर्ट एंड डायरेक्ट रेजिस्टेंस वो आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे डायरेक्ट सपोर्ट के बाद अगला सपोर्ट आता 7010 का, उसके बाद क्या 7582 का। डायरेक्ट रेजिस्टेंस के बाद का अगला रेजिस्टेंस आता 7800 का, उसके बाद क्या था 8000 का। तो यहाँ पे मैंने जो दो सपोर्ट और दो रेजिस्टेंस आपको बताए हैं जरूर जब उसी को कंसिडर में रखते हुए अपना यहाँ पे इस मंथ का यानी कि फरवरी के मंथ का जो ट्रेड ले। मेरा ओपिनियन फरवरी के मंथ में यहाँ पे जरूर नो ट्रेडिंग जोन में एक नेगेटिव क्लोजिंग में देखने में से यानी कि फरवरी के मंथ में थोड़ा सा नेगेटिव हमें साइड में जो है एक क्लोजिंग देखने मिलेगी लेकिन नो ट्रेडिंग जोन में 7353 से लेके यानी कि 7622 के रेंज में यानी कि इस रेंज में हमें क्लोजिंग देखने मिलने वाली है फरवरी के मंथ में, हमारा एक्सपेक्टेशन ये है। आपको क्या लगता है क्या हो सकता है वो आप जरूर हमें कमेंट करके बताना और अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आया है तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।